अगर आप होटल में आने चाहते हैं तो अच्छा भी लगेगा, स्वस्थ भी लगेगा, आराम भी मिलेगा, सब चीज आराम भी मिलेगा। कितने का देते हो आप? हमारे घूमने वाले लौंडे आते हैं, लौंडों को थोड़ा सस्ता चाहिए होता है, 500-600 के अराउंड मिल जाएगा क्या? 500 का 600 का मिल जाएगा, 800 से ऊपर मिलता है, 800 से ऊपर मिलता है। तो मतलब एक रूम में रानी देवी जी के पास आपको, आपके मुंह में बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त। दिन भर में 50 लीटर दूध जाता है, 50 लीटर दूध। रानी देवी जी दिन भर में 50 लीटर दूध पसंद है। रानी देवी जी के पास पहुंच जाइए। ड्रीम चेसर भाई साहब, कितना मैंने आपकी बाइक देखी, ओह माय गॉड, मैंने कहा चलो यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो, और मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार एक नए ब्लॉग में। और मैं भी हूं आपका नामची में, और नामची एक जगह है आपका सिक्किम के अंदर गंगटोक से आपका 90 किलोमीटर दूर। और पिछले वाले ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे कैसे हम लोग आपका गंगटोक से नामची पहुंचे, और नामची पहुंचने के बाद मैंने आपको नामची में जो यहाँ पर चार धाम है, चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग, उन सबके दर्शन, सबके नज़ारे बढ़िया तरीके से कराए थे। और यहाँ का मौसम ना वैसे यार गंगटोक से काफ़ी चेंज है, गंगटोक में मैं जैकेट पहने घूम रहा था लेकिन यहाँ पर टी शर्ट में ही काम चल जा रहा है। और हम यहाँ पर आए थे ना, पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया ना कि हम लोग कहाँ रुके थे, तो हमने रूम लिया था ये भाई, एक बेड ये है, एक बेड ये है और एक बेड आपका ये है, तो हम तीन लोग हैं तो हमने तीन बेड वाला रूम लिया है। और हमको ये रूम आपको पता है कितने पड़ा? मात्र 700 रुपए में। तो भाई आपको नामची में भी ना सस्ते रूम मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मैं आपको लेके जाऊंगा भैया नामची के बाजार में। देखो वैसे तो मैं गैंगटॉक के बाजार में आपको घुमा चुका हूं, गैंगटॉक की नाइट लाइफ भी आपको दिखा चुका हूं। तो भाई मैं अगर आपका नामची आया तो मैं आपको नामची की नाइट लाइफ भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे टूरिस्ट इतना ज्यादा मात्रा में पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आपके रोहित पहाड़ी को घूमना था भैया गांव का एरिया, तो यहां पे आसपास में बहुत सारे हिल स्टेशन है, मतलब बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे विलेज हैं जो बहुत ज्यादा हिडन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो अगले कुछ ब्लॉगों में आपको वो हिडन विलेज भी दिखाने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं भैया नामची की नाइट लाइफ, और मेरे होटल से बिल्कुल बाहर आकर आपको दिखाऊं ना, फिलहाल मैं आपको दर्शन कराता हूं कि अपने रूम से नामची का बाजार दिखता कैसा है। तो भैया ये अपने जो रूम के जस्ट बाहर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका नामची का पूरा बाजार ही है, आप देख लो। तो अभी आपको मैं यहाँ से होटल से डायरेक्ट ऊपर से नीचे लेके जाने वाला हूँ, तो अभी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, फटाफट आपको लेके चलता हूँ अभी नामची के माल रोड में, बोले तो आपका सेंट्रल पार्क रोड में, और आपको दिखाता हूँ कि नामची की नाइट लाइफ होती कैसी है, या यहाँ की नाइट लाइफ भी भैया वही पोखरा और नेपाल और आपका गैंगटॉक जैसी हॉट होने वाली है, या फिर कूल सी यहाँ की नाइट लाइफ रहने वाली है। चलते हैं सीधे और आपको मिलते हैं डायरेक्ट नामची के माल रोड पे, 1, 2 एंड 3। सो गाइस लो हम पहुँच गए हैं आपका ये नामची के माल रोड बोलते हैं या आपका सेंट्रल पार्क रोड बोलते हैं, तो मैं बिल्कुल आपका सेंट्रल पार्क रोड पे आ चुका हूँ अपने होटल से नीचे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ नामची का नाम नामची क्यों रखा गया। नामची का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है आकाश की जितनी ऊंचाई, इसका मतलब होता है कि आकाश के जितना ऊँचा, क्योंकि यहाँ से ना आस पास में बहुत सारे ऐसे मठ हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जिनकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा है। और इधर पास में ही ना एक आपका फुटबॉल स्टेडियम है जिसका नाम वांगचू रखा हुआ है, और वांगचू उसका नाम क्यों रखा है क्योंकि सिक्किम के ही एक खिलाड़ी थे भाई साहब वांगचुंग भूटिया, उनके नाम पे ही यहाँ पे भैया एक फुटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे उसका नाम वांगचू रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे एक बाइक दिखाई दे रही है मेरे ठीक सामने, और इस बाइक का नाम है ड्रीम चेजर, और मेरी इनसे काफ़ी लंबे टाइम से बात चल रही थी लेकिन किसी वजह से ना मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बस वजह यह है कि हमारा कभी रूट एक नहीं हुआ और हम कभी थे मोटो ब्लॉगर, बट अब हम आपका जब ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से, तो यार आपको पता है हमारी मुलाकात किस हुई है। तो भैया जी हमारी मुलाकात हो गई है बड़ी मुश्किल से, मतलब भैया जी पूरे साल भर मैसेज करने के बाद भाई साहब के कभी कभी रिप्लाई आए थे कि कोई नहीं आप मेरे साथ राइड कर सकते हो, और ये हमारे गुरु जी ड्रीम चेसर भाई साहब, कितना मैंने आपकी बाइक देखी, ओह माय गॉड, मैंने कहा चलो यार। आपने मैसेज किया मेरे को, मैंने आपको आपने रिप्लाई भी किया है मुझे बहुत बार। अच्छा, और आपने मुझे क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी रिप्लाई किया बहुत बार, हमारी बात भी हुई है, बट वही है ना कि देखो वो फेस टू फेस, मैं आपको पता है इतना ट्रैवल आप भी करते हो मैं भी करता हूँ, तो लगातार सबका नाम याद रखना बहुत टफ है। कहाँ से? मैं हल्द्वानी से। मैंने आपको बताया कि आप हल्द्वानी, मैंने आपने पूछा था शायद वीडियो पे मैसेज करके, हाँ कोविड का कुछ रिलेटेड कुछ पूछा था। आप कश्मीर से उस समय? कश्मीर से, और आप नेपाल भी गए थे, मैं आपके नेपाल, फिर आपके जस्ट आप नेपाल से आए होंगे मैं नेपाल चला गया, फिर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं अभी इतना सच में ना भाई साहब इनको देख के हमने बाइक चलाना शुरू किया, अभी पल्सर 150। आपने मुझे लद्दाख में कहाँ पे क्रॉस किया? आप गुप्ता जी के साथ आए लद्दाख में? लद्दाख में क्रॉस किया हमने, आपने अगले टनल क्रॉस करी। अच्छा, हम इधर गए और आप इधर आए, हमने कहा, और आपको पता है 9 किलोमीटर लंबी टनल, और आपको चेस कर पाना इतनी बड़ी बाइक को मेरे लिए बहुत टफ वापस यू टर्न लेके आना रास्ता, मैं पल्सर 150 वाला आदमी, वो भी 15 साल पुरानी 13 साल पुरानी, और आप पेटीएम से। तो देखो भैया लद्दाख में देखा नहीं मिले, कहाँ कहाँ हल्द्वानी ढूंढा नहीं मिले, यहाँ तक दिल्ली तक गए नहीं मिले। और एक बार मैंने आपसे गोप्रो को लेके भी क्वेश्चन पूछा जो मैं पहली बार खरीदा था, तो आपने कहा था ले लो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ
दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमको देखने कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो भाई साहब ये हमारे बड़े भैया जी हैं और इनका एक चैनल है ड्रीम चेजर। अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग पसंद है ना, अगर आपको बाइक में धुर्राटे मारने पसंद है ना, तो इनके ब्लॉग देख लिया करो भाई साहब। इनको देख के हमने बाइक चलाना सीखा है और हम बाइक चलाते चलाते धीरे धीरे पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। नेपाल इनकी वजह से ही गए थे हम लोग और हमें यहाँ मिल रहे। देखो गुरु जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। सच में देखो इनके साथ एक इनके भैया और हैं, हमें तो मौका मिलता नहीं सर के साथ घूमने का। आप घूम रहे हो, आप बहुत लकी हो। बिल्कुल लकी हूँ मैं, बहुत लकी हो कि आप इनके साथ घूम रहे हो। जो आपकी जहाँ नेपाल में गाड़ी फंसी थी वो कहाँ फंसी थी? मनाल में। हम वो देख रहे हैं। मैंने कहा मेरी पल्सर तो वहाँ नहीं जाने वाली। तो आपका गुड नेम सर? शिवम। आपका चैनल यूट्यूब चैनल? सुपर राइडर शिवम। सुपर राइडर। तो आप सब हर इनको तो भैया पूरी दुनिया जानती है, इनको भी आप जान लो सुपर राइडर शिवम। बाहर बाइक खड़ी है दोनों की वहीं पर साथ में। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई जी के चैनल को। हमारे छोटे मोटे सब्सक्राइबर हैं, दो चार गिनती के तो हमारे भी है। तो गिनती के यहाँ पहुंचाना तो भाई को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और इनके कुछ देखने वाले अगर इनको प्यार करते हैं इनके चेहरे से तो भाई यहाँ भी कूद जाना उछल कूद करके। तो भैया जी यार कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना, जो जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप टीवी में देखते हैं, जिनको आप यूट्यूब पर देखते हैं, अचानक से वो आपको दिख जाए ना तो फिर बात ही क्या होती है। तो ऐसे ही बिल्कुल आज हमारी मुलाकात हो गई भाई साहब यहाँ पर आपका ड्रीम चेजर भाई साहब से। तो उनसे मिल चुके हैं बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अभी यहाँ से चल रहे फटाफट आपको घुमाते हैं भैया कि आपको इस नामची के बाजार में रात को क्या क्या घूमने को मिलने वाला है और खाने के लिए नाइट लाइफ में आपको क्या क्या मिलेगा, वो सब कुछ आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। भैया जी ऐसा है आपका जो ये नामची का जो ये आपका सेंटर पार्क वाला रोड है ना, यहाँ पर मतलब इतना लंबा रोड भी नहीं है आपका, मुश्किल से मुश्किल 400 से 500 मीटर का रोड है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊँ, जैसे आपने हमारी पिछले काफ़ी सारे ब्लॉग देखे होंगे ना, मैं मैक्सिमम टाइम क्या कुकिंग अपने हाथ से करता हूँ क्योंकि मैं अपने साथ अपना बर्नर अपना ब्यूटेन का कैन लेके चलता हूँ। तो खाने पीने की सारी चीज़ों का जो काम है वो मैं मैक्सिमम टाइम खुद कर लेता हूँ। लेकिन आज अब हम नामची बाजार में आए हैं, जैसे कि हमने आपका गैंगटॉक के रोड में आपके वहाँ के मॉल रोड में ना हमने वहाँ पर रोल ट्राई किया, तो यहाँ पर भी हम कुछ ट्राई करेंगे कि हमको यहाँ पर खाने के लिए क्या मिलेगा। तो कुछ लोगों से पता करते हैं कि भाई आखिर नामची के मॉल रोड में अपने को फास्ट फूड में खाने के लिए क्या मिलेगा। और हमने लोगों से पता किया कि भाई खाने के लिए आपको आसपास क्या मिल जाएगा। तो कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि इधर पास में एक मुस्कान फास्ट फूड नाम से एक सेंटर है, तो वहाँ के जो मोमो है ना वो काफ़ी टेस्टी हैं। तो चलते हैं आपको नामची के बाजार से लेके चलते हैं फास्ट फूड सेंटर। कुछ इस तरीके से आपका काफ़ी अंदर आने का लग रहा है कि होटल है, आगे रास्ते में तो मुझे लगा ही नहीं कि होटल है। आप ये होटल कब से चलाते हो? 2016 से होटल चल रहा है आपका। तो आपके मोमो की तारीफ सुनी हमने बाहर, तो मोमो मतलब तारीफ लाए होंगे फिर। तो आप क्या क्या बनाते हो मोमो के अलावा? और मोमो के अलावा मेरा क्या चीज़ है आपके वहाँ का स्पेशल? क्या है मोमो के अलावा जो लोग पसंद करते जा रहे हैं? मोमो पसंद है। हम भी मस्त मोमो सुन के आए कि तो ऐसे 2016 से आप अकेले चला रहे हो? ना हमारे 1100 होटल होटल नीचे शीतल दुकान चलाए 6 साल 11 साल से दुकान है आपका। क्या बात है। देखो भैया आंटी आपका शुभ नेम क्या हुआ? मेरा रानी देवी नाम। रानी देवी नाम। तो भैया आप अगर नामची आ रहे हैं तो भाई एक बार रानी देवी जी के मोमो भी ट्राई करना, क्योंकि भैया मोमो नाम से ही फेमस है इनकी पूरी दुकान नामची। अगर आपका होना था नामची के सेंट्रल पार्क में आपको इनकी मोमो की शॉप मिल जाएगी और यहाँ के मोमो ट्राई किए बगैर जाना नहीं आप। ठीक है मुस्कान फास्ट फूड होटल। अगर आप होटल में आने चाहते हैं तो मुस्कान फास्ट फूड में मोमो खाने आइए सर। और क्या क्या अच्छा बना देते हैं आप इनको बताइए सर। खाने में तो बहुत आइटम है, बाकी खाने में आपका टेस्टिंग भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, स्वस्थ भी लगेगा, आराम भी मिलेगा, सब चीज़ आराम भी मिलेगा। लॉज भी है तो। अच्छा लॉज भी आपका। तो रूम कितने का देते हो आप? दो रूम है, 1500 और उससे कम वाला, क्योंकि देखो हमारे घूमने वाले लौंडे आते हैं, लौंडों को थोड़ा सस्ता चाहिए होता है, 500-600 के अराउंड मिल जाएगा क्या? 600 का मिल जाएगा? 800 से ऊपर मिलता है। तो मतलब एक रूम में 800 रुपया। तो भैया रानी देवी जी के पास आपको रूम भी मिल जाएंगे। तो ठीक है अगर आपको रूम की तलाश है तो आप रानी देवी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नामची बाजार से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी रानी देवी जी क्या क्या दिखाने वाली है हमको। मैंने अभी साफ सुथरा हो रहा है सर। साफ सुथरा हो रहा है यहाँ मोमो भराता है जी। मोमो नहीं चल सकता है, अकेले ही पूरा होटल संभाल रही है, कोई आपके साथ और भी आपकी हेल्प करता है? नामची में आएंगे तो आपको माँ बेटी का ये होटल मिलेगा, तो इनके मोमो जरूर ट्राई करना भाई साहब, बहुत लाजवाब मोमो बनाते हैं ये लोग। तो हमने तो भैया एक प्लेट खाया तो हमने 1-2 प्लेट और ऑर्डर कर दिए। आपके मोमो बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। चाय भी तो बढ़िया मुस्कान होटल का चाय। चाय भी तो फेमस है। चाय टी वैसे चाय का टाइम तो है नहीं, लेकिन आप इतने प्यार से कह रहे हो चाय। हाँ चाय यहाँ नामी है इसीलिए आपको बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ का चाय का पतीला आपका इतना बड़ा? हाँ जी। मतलब दिन भर में चाय बहुत बेचते हो दवा के?
दिन भर में 50 लीटर दूध जाता है। 50 लीटर दूध देवी जी दिन भर में 50 लीटर दूध भेज देते हैं, जैसे कि आपके मोमो बेचते हैं वैसे आपकी चाय। तो चाय बनाइए शानदार वाली बढ़िया सी। तो भैया आपको यहाँ स्पेशल चाय मिलता है, कलाइयाँ इलायची आदि अदरक उदरक सब डाल के बनने का चाय, पहाड़ी स्टाइल में उत्तराखंडी स्टाइल में अदरक वदरक सब कुछ डाल के इलायची डाल के खाइए, वरना ऐसा कहीं और नहीं मिलता अदरक वाला चाय यहाँ। नहीं आपको होटल भी देखिएगा ऐसा चाय कहीं नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं जब से सिक्किम दार्जिलिंग ट्रैवल कर रहा हूँ तो इलायची और अदरक वाला चाय तो भाई देखने को भी नहीं मिला, लेकिन अगर आपको अदरक इलायची वाला चाय पसंद है तो रानी देवी जी के पास पहुँच जाइए। चाय का नाम है राम लक्ष्मण चाय है। राम लक्ष्मण चाय है जी। तो रानी देवी जी के पास भैया राम लक्ष्मण चाय मिलेगा। क्या क्या मिलेगा यहाँ यार, ये देखो भैया क्या बात है, और चाय रखने का आपका स्टाइल ही बहुत लाजवाब है। तो बोल रहे कि भाई हम तो दो दो बार आके चाय पी रहे हैं यहाँ पे। हाँ यार भैया तो तीन बार चाय पीते हैं। क्या बात है क्या बात है, हमारे लौंडे देखो भैया शिकारी लौंडे बस भूखे बैठे हैं चाय के इंतजार में। थैंक यू आपकी इस चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाय चाय बहुत शानदार है सच में, कल मॉर्निंग की चाय मैं यहीं पीने वाला हूँ, ये तो डन है भैया। तो भैया यहाँ पे हम चाय पी रहे थे तो हमसे रानी देवी जी ने बोला भैया कि यहाँ के हमारे समोसे भी ट्राई करो, क्योंकि जितनी तारीफ आपने मोमो की सुनी और मोमो आपको मिले हैं तो टेस्टी मिले हैं, और चाय हमने ट्राई की सच में लाजवाब थी। तो हमने समोसा भी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना जब आप ऑर्डर करते हो आपको उम्मीद से बेहतर टेस्ट मिलता है तो आपको मन करता है कि आप आगे और कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तो हमने समोसा भी मंगा लिया इधर। समोसे में क्या क्या भरा हुआ है? समोसा में मसाला सारा चीज आता है। ये तो मटर टाइप का दिख रहा है मुझे, बादाम आएगा, ये क्या है गोल गोल? वो मटर का। भैया जी हमने जब एक प्लेट मोमो खाए ना तो टेस्ट इतना जबरदस्त लगा हमको, तो हमने एक प्लेट मोमो और ऑर्डर कर लिए। तो हम चटनी मंगा रहे भैया अपनी रानी देवी जी से, लाइए जी ये चटनी कुछ इस तरीके से देते हैं यहाँ पे। तो भैया जी मोमो बड़े मस्त थे, समोसे मस्त थे, चाय मस्त थी, सब कुछ एकदम लाजवाब था। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो भाई लोग अभी हम आपका मार्केट से अपने रूम की तरफ आ गए, और आज ड्रीम चेजर से मुलाकात हुई भाई से, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मतलब कभी अचानक से ना ऐसे किसी से रास्ते चलते मुलाकात हो जाए तो बात ही अलग है, क्योंकि यार ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि हम सब लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो टाइम किसी के पास भी नहीं है किसी को फॉलो करने का या किसी से बात करने का, बट कभी रास्ते में अचानक से क्योंकि हम सब ट्रैवलर हैं तो मुलाकात तो हो ही जाती है। तो भाई बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर, क्योंकि मैं ना जब पहले मोटो ब्लॉग करता था तो भाई को बहुत देखता था, बहुत मजा आता था भाई की वीडियो में, और मैं UK07 और MSK और सत्या इन सबको भी बहुत बार देखता रहता हूँ, तो शायद आगे कभी रास्तों में इनसे मुलाकात भी हो जाएगी। फिलहाल हमने रूम पा गया।